अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ तिब्बत क्रीम से बनने वाला एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करूंगी जिससे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयरनेस मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि तिब्बत क्रीम बहुत पुरानी क्रीम है जो कि हमारी नानियाँ दादियाँ अपने ज़माने से इस्तेमाल करती आ रही हैं और ये हर स्टोर पर हर शॉप से आपको बआसानी मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। यह आपकी स्किन को सॉफ्ट करने में भी मदद करती है और रंग को गोरा करने में भी मदद करती है। तो इसमें कुछ चीज़ें डालने से ये मज़ीद इफ़ेक्टिव और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देगी, पिंपल और ब्लैक हेड्स को भी रोकेगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच जो है लेके यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर 7 दिनों की क्रीम बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक भरकर चम्मच लिया है तिब्बत क्रीम का। यहाँ पर मैं एक बार फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। एक चम्मच क्रीम डालने के बाद अब इसमें एक चम्मच भरकर एलोवेरा जेल इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि यह आपकी स्किन को एक सूदिंग और सॉफ्ट सा इफ़ेक्ट देगा। तो एलोवेरा जेल में वैसे भी विटामिन सी और ई वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। यहाँ पर आपने फ्रेश एलोवेरा नहीं बल्कि रेडीमेड ही जेल यूज़ करना है। तो एलोवेरा जेल में विटामिन सी और ई कैरोटीन वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। इसमें एंटी एजिंग की खसूसियात भी होती हैं और ये स्किन के दागों को ख़त्म करने में भी मदद देता है। तो यहाँ पर मैंने भरकर एक चम्मच ऐड किया है। इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर ग्लिसरीन ऐड करूँगी। ग्लिसरीन भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ग्लिसरीन आपकी स्किन को कैसे फ़ायदा देगी? तो ग्लिसरीन स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। कुछ लोगों को तिब्बत क्रीम सूट नहीं करती, मीन्स के रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं, तो इन रैशेज़ वगैरह को ख़त्म करने के लिए ग्लिसरीन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक चम्मच ग्लिसरीन डालने के बाद एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल रही हूँ। आप चाहें तो वाइटनिंग कैप्सूल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब बारी आती है मिक्सिंग की। तो आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि इस क्रीम को बनाने के बाद कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ये पानी छोड़ देती है या फिर इस तरह की कुछ शिकायत आती हैं क्योंकि हम मिक्सिंग अच्छे से नहीं करते। तो 10 से 15 मिनट जो है वो आपने बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मैं अपनी हर रेमेडी में बताती हूँ कि आपके किसी भी मास्क या फिर क्रीम में जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ग्लिसरीन का कुछ फ़ायदा बता रही थी कि ग्लिसरीन आपको किस तरह से फ़ायदा देगी। तो ग्लिसरीन स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। कुछ लोगों को तिब्बत क्रीम सूट नहीं करती, मीन्स के रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं और स्किन रेड हो जाती है, तो इसके डालने से एक ठंडक सी महसूस होगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो वो इसे कुछ देर हाथ पर लगाकर देखें। अगर कोई रैशेज वगैरह नहीं होते तो यह आप इसे आसानी से फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्लिसरीन जो है वो स्किन की हाइड्रेशन को भी बढ़ाती है, ड्राइनेस को दूर करती है, स्किन को फ्रेश करती है और सॉफ्ट भी करती है। तो यहाँ पर आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। ये देखें, अब इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, कोई भी लम्स वगैरह बीच में नहीं रहने चाहिए। ये जब इस फॉर्म में आ जाए तो समझ लें कि आपकी फॉर्मूला क्रीम तैयार हो गई है। तो तिब्बत क्रीम वैसे भी बहुत इफ़ेक्टिव और यूज़फुल है, तो कुछ चीज़ों के मिलाने से ही आपकी स्किन पर बहुत ज़बरदस्त सा ग्लो देगी। 7 दिनों के बाद जो है वो आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप नेक्स्ट 7 दिनों के लिए भी इसे बनाकर सेव करके रख सकती हैं। आप इसे साफ़ सुथरे से कंटेनर में डालकर 7 दिनों के लिए फ्रिज में रख सकती हैं और अगर रात को लगाकर सोती हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। लेकिन ये क्रीम दिन रात दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी साफ़ सुथरे से कंटेनर में डालकर रखकर सेव कर लें। इसके बाद आप इसे अपने हाथों पर, फेस पर और नेक पर अप्लाई करें। आप इसे पैरों पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 7 दिन के इस्तेमाल से ही आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आप क्रीम लगाते वक्त महसूस करेंगी कि इसमें जो हमने एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन डाली थी उससे कितनी जल्दी हमारी क्रीम जो है वो स्किन में जज्ब हो गई है। तो क्रीम लगाने के 1 या 2 घंटे के बाद जो है वो आप फेस धो भी सकते हैं और ओवरनाइट भी लगा कर सो सकते हैं। तो इस क्रीम का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके चेहरे पर जितने भी पिंपल्स हैं उसको रिमूव करेगी और स्किन पर एक शाइनिंग और ब्राइटर सा इफ़ेक्ट देगी।
आई होप सो आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो काइंडली मेरे चैनल का ज़रूर विजिट कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।